हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास की चॉपर के बारे में स्टडी करेंगे। जो लोग अपने साथ ज्वाइंट हो चुके हैं वो लोग एक बार एनरोलमेंट नंबर अपना कमेंट कर दीजिए, एज वेल एज आपका जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट कमेंट ज्वाइंट हो चुके हैं वो एक बार एनरोलमेंट नंबर को कमेंट कर दीजिए। और ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आज हम क्लास ई चॉपर की स्टडी करेंगे। क्लास ई चॉपर में आई थिंक क्लास डी चॉपर ख़त्म हो गए हैं। कोई कमेंट करके बताएगा कि क्लास डी चॉपर अपना बाकी है या ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे याद है तब तक क्लास डी जो चॉपर है ना वो ख़त्म हो गया है और क्लास ई चॉपर है ना वो रिमेनिंग है। सो लास्ट कौन सा चॉपर करवाया था वो कोई कमेंट करके अगर बता सकता है तो अच्छी बात है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। सो आई थिंक सेकेंड सेम का रिजल्ट आ चुका है और सबके वहाँ पे हैप्पी है। मैथ्स निकल गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम थी सर, मैथ्स पास हो गए एक्स वाई जेड। जो भी लोग कनेक्ट हुए एक बार अपना एनरोलमेंट नंबर कमेंट कर दीजिए। जो भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं वो लोग अपना एनरोलमेंट नंबर एक बार कमेंट कर दीजिए। I am waiting for your enrollment number, then we will start our theory class E chopper. Right, Samir, class D chopper last में ख़त्म हुआ था, अभी जो chopper हम करेंगे वो है आपका class E chopper. Very good, सब लोग comment कर रहे हैं अपना enrollment number. ओके, सो आज हम स्टडी करेंगे क्लास ई चॉपर। क्लास ई चॉपर है वो फोर क्वाड्रेंट चॉपर है। फोर क्वाड्रेंट चॉपर यानी क्या होता है कि उसमें करंट भी पॉजिटिव होता है और आपका वोल्टेज भी पॉजिटिव होता है। करंट भी नेगेटिव होता है और आपका वोल्टेज भी नेगेटिव होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लास ई चॉपर। जो आपका क्लास ई चॉपर है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव भी हो गए और दोनों नेगेटिव भी हो गए। क्लास ई टाइप जो चॉपर है कैन बी रियलाइज बाई द कनेक्टिंग टू नंबर ऑफ सी चॉपर। हमने देखा था कि आपने देखा था क्या देखा था क्लास सी चॉपर में। क्लास सी चॉपर में आपने इतनी सर्किट कनेक्ट की थी, ये जो सर्किट है ये इंडक्टर और लोड के साथ यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दी थी। ये सर्किट को हम ये एक और ये दो सर्किट को हम लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो बनता है उसे हम क्लास ई चॉपर कहते हैं। विथ हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ चॉपर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी रिवर्स विदाउट रिवर्सिंग द पोलारिटी ऑफ एक्साइटेशन। जनरली हम क्या करते हैं, कभी मोटर जो है उसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना है तो उसकी जो टर्मिनल होते हैं वो टर्मिनल चेंज कर देते हैं, यानी कि टर्मिनल चेंज करने से उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज होता है। लेकिन अगर हम क्लासी चॉपर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि आपको पोलारिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोटर की रोटेशन है जो जो डायरेक्शन में उसको अगर चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे कि उसमें जो करंट है वो करंट या वोल्टेज जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज करके हम कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले कि क्लास ई चॉपर है वो फोर क्वाड्रेंट चॉपर है। क्लास ई चॉपर में आप टू टाइप ऑफ सी चॉपर
टू टाइप ऑफ सी चॉपर को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि टू सी टाइप चॉपर में T1, T2, D1 और D2 था, और दूसरा सी टाइप चॉपर ले लो उसमें T3, T4, D3 और D4 है, वो दोनों को लोड के बिटवीन कनेक्ट करते हैं। व्हेन द चॉपर टी, जब आपका चॉपर T1 और T4 और डायोड D2 और D3 ऑपरेट होता है, तब टाइप सी एक चॉपर ऑपरेट होता है। यानी कि कौन सा आपके पास T1 है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको T1, यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से जाएगा, तो करंट T1 और T4, अगर T1 T4 ऑपरेट होता है तब, और ये दोनों जब क्लोज हो गए उसी साइकिल में आपका ये D2 और इसके साथ ये D3 ये ऑपरेट होगा, तब टाइप सी चॉपर, जब एक टाइप सी चॉपर ऑपरेट होगा, और जब भी आपका टाइप थ्री और T2 और T3 ऑपरेट होगा तब आपका दूसरा चॉपर, और उस डायरेक्शन में D1 और D4 ऑपरेट होगा डायोड में, तब आपका दूसरा सी टाइप चॉपर ऑपरेट होता है। जब आपका T4 ऑपरेट होता है तब आपका T3 ऑपरेट नहीं होना चाहिए, यानी कि देखो अगर मैं T4 को ऑपरेट करता हूँ तब ये ऑपरेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सिमिलरली मैं ये ऑपरेट करता हूँ तब ये ऑपरेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए आपकी बुक में लिखा होगा कि जब भी हम T4 को ऑपरेट करते हैं तब T3 को हम ऑपरेट नहीं कर सकते, सिमिलरली हम T1 को ऑपरेट करते हैं तब T2 को ऑपरेट, यानी T1 T2 साथ में ऑपरेट नहीं हो सकते और T3 T4 साथ में नहीं ऑपरेट हो सकते। अगर हम ये दोनों को साथ में ऑपरेट कर लेंगे तो हमारा जो चॉपर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। T1 एंड T2 कैन बी ऑपरेट अल्टरनेटिवली, E0 बिकम पॉजिटिव एंड करंट कैन फ्लो इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में करंट होगा फ्लो और दोनों डायरेक्शन में हमें वोल्टेज भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे हमें देखना है भाई, अगर जब हम T2 कंटिन्यूसली ऑन रखते हैं और T1 को ऑफ रखते हैं तो E0 कैन बी मेड नेगेटिव एंड करंट मेड आइदर अ डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव बाई मेकिंग T3 एंड T4 ऑन। उसका क्या होता है कि देखो अब हम क्या करेंगे, पहला जो स्टेप है स्टेप नंबर 1, आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 1 याद रखना है। स्टेप नंबर 1 में आपको T2 को ऑन करना है। देखो एक सिंपल बात समझ लो, यहाँ पे आपके जो वोल्टेज है ना ये प्लस है और ये माइनस है, और करंट प्लस से यहाँ से अंदर जाएगा तो प्लस होगा बाकी माइनस होगा। अब आपको मैं 4 स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 है उसमें हम T1 को ऑपरेट करेंगे और T4 को ऑपरेट करेंगे। जब भी आपका T1 और T4 ऑपरेट होता है तब आपका करंट DC सोर्स से T1 से आपका करंट I0, वहाँ से यानी कि I0 करंट L से लोड, वहाँ से T4 और वापस फिर चॉपर में आएगा, तब आपका वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज E0 भी पॉजिटिव होगा और I0 भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में ऑपरेट होगा। यानी कि ये क्वाड्रेंट यानी गुजराती में कहवाई चरण नंबर 1 में ऑपरेट से। बुक में बहुत सारी कंफ्यूजन दिया है, वो कंफ्यूजन आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि जब भी आपका T1 और T4 ऑपरेट होता है तब करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होता है, तब आपका इंडक्टर चार्ज होता है, ये प्लेट प्लस होती है, ये प्लेट माइनस होती है, और आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि ये क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसका आउटपुट E0 और I0 दोनों पॉजिटिव है। जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पता चल गया वो ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट Q P मीन्स क्वाड्रेंट, आपका थंब और एनरोलमेंट नंबर लिख के अपडेट कर सकते हैं, यानी कि कमेंट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। जो भी स्टूडेंट को क्वाड्रेंट 1 का पता चल गया वो कमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड, T1 TQ डन, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक कमेंट नहीं किया है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 10 स्टूडेंट ने कमेंट किया है, सो प्लीज़ फटाफट कमेंट कीजिए।
और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्ट की हो चुके हैं वो लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 28 स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन सिर्फ 20 लाइक है। सो यू हैव टू फर्स्ट लाइक योर वीडियो, देन वी विल गो अहेड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सब कुछ, देखो आप ब्लैक डिस्प्ले पे देख रहे हो, यहाँ पे कौन क्या करता है सब दिखता है। जयमीन खाओ बड़ी, डन, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अभी सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, यानी कि इंडक्टर पोलैरिटी चेंज करेगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो आपका करंट कहाँ से फ्लो होगा, तो डी इंडक्टर यानी कि ये प्लस से डी थ्री से आपका करंट जाएगा डीसी सोर्स से आपका करंट आएगा D2, और यहाँ पे देखो ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, यानी कि आपका वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो रहा है, यानी वोल्टेज ये नेगेटिव हो रहा है देखो, लेकिन करंट तो यही डायरेक्शन में जा रहा है यही, यानी कि करंट क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। तो आपका जो ये क्वाड्रेंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ, यानी कि चौथा चरण में तुम्हारो डायोड D3 और D2 ऑपरेट थे। तो ये कैसे लिखना है आपको, अगर जब T1 और T2 ऑफ होते हैं, जब T1 और T4 ऑफ होते हैं तब हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, जिसका कारण इंडक्टर मोटर D3 से DC सोर्स वापस से D2 और वापस इंडक्टर आएगा, तब हमारा वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज वो -E0 मिलेगा। तब आप आउटपुट वोल्टेज कितने मिलेंगे, -E0, और करंट +I0 मिलेगा, जिससे हमारा जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट होगा। व्हेन बोथ द चॉपर, आपको यहाँ पे बुक में देखना है तो आप देख सकते हैं, देखो जब आपका D3 और D2 ऑपरेट होता है तब आपका करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो E0 बिकम अ नेगेटिव एंड द करंट स्टिल रिमेन पॉजिटिव, सो द फोर्थ क्वाड्रेंट इज ऑपरेटेड। व्हेन द बोथ चॉपर T1 एंड T4 आर मेड ऑफ, द एनर्जी स्टोर इन द लोड और डिसिपेट वाया पथ, यानी कि इंडक्टर में जो भी एनर्जी हमारे में है, इंडक्टर में जो भी एनर्जी स्टोर की है वो ये करंट पे, कौन सा करंट, इंडक्टर से लोड से आपको D2 से लिखना है, D2 से इंडक्टर से मोटर से D3 EDC और वापस D2, या आप ऐसा भी लिख सकते हो ED माइनस से D2 से इंडक्टर लोड D3 और ED प्लस, ऐसा भी लिख सकते हो। ये जिसको ये फोर्थ क्वाड्रेंट पता चल गया वो ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्थ क्यू थम और आपका एनरोलमेंट नंबर जो भी है, सपोज 17 है तो 17 पे खतरा 17 लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एनरोलमेंट नंबर कमेंट नहीं करना है मिस्टर, आपको इसके साथ आपका आउटपुट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वो भी कमेंट करना है। फिर से एक बार, जब मैं T1 और T4 को ऑफ करता हूँ, तब इंडक्टर में या लोड में जो एनर्जी हो डिसिपेट होगी, जिससे मेरा करंट यहाँ से EDC से D2 से आपका करंट लोड से D3 और D3 से वापस है, तब हम मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव मिलेगा और करंट वो स्टिल वही डायरेक्शन में है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट होगा। ओके वेरी गुड, ये बहुत इजी है, अगर क्लास ही होता है ना एग्जाम में तो समझ लेना कि चार स्टेप लिखने हैं, दो फिगर ड्रॉ करनी है, बात खत्म। अब मैं क्या करूँगा, T3 और T2 को ऑपरेट करूँगा, यानी कि जैसे ही मेरा इंडक्टर टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि जैसे ही लोड में एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, जितनी भी एनर्जी लोड में थी वो डिसिपेट हो जाएगी यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगी, तब मैं T3 और T2 को ट्रिगरिंग पल्स दूंगा, जिससे मेरा करंट EDC, देखो EDC से T3 से लोड से T2 और T2 से वापस DC सोर्स, EDC माइनस करंट फ्लो होगा, तब आपका ये करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि आपका करंट क्या है, नेगेटिव है, देखो नेगेटिव करंट मिल गया, लेकिन जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कैसे मिल रहे हैं, तो वो वोल्टेज देखो यहाँ पे प्लस मिल रहा है और यहाँ पे आपको माइनस मिल रहा है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी वोल्टेज भी क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है, यानी आपका जो SC है, आपका जो चॉपर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट होगा। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो, व्हेन द बोथ चॉपर T2 एंड T3 आर मेड ऑन, T2 एंड T3 बिकम मेड ऑन, ये देखो यहाँ पे
तब करंट फ्लो होगा, तब आपका आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों नेगेटिव रहेगा। दोनों कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, जिससे क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। जिसको भी थर्ड क्वाड्रेंट पता चल गया वो ऐसा T3 उसके बाद Q, उसके बाद आपका थंब और कमेंट लिख, अपना एनरोलमेंट नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं। और जिसको नहीं पता चला वो फिर से देखो, जैसे ही अपनी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे ही एनर्जी लोड में से डिस्चार्ज होता है, तब मैं T3 और T2 को ऑन करता हूँ, जिससे मेरा करंट DC सोर्स से T3, T3 से लोड, लोड से T2, T2 से वापस DC सोर्स, तब हमारा इंडक्टर चार्ज होता है। यानी कि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों नेगेटिव होते हैं, जिससे ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। जिसको ये पता चल गया वो कमेंट करे, सिर्फ T2 तो चला है नहीं मिस्टर FT, अभी तो T3 चल रहा है, और T3 नहीं उसको 3Q लिखना है। वेरी गुड अफजल, मेहुल, वेरी गुड, इन लोग प्रॉपरली लिख रहे हैं। मेहुल तेरा ध्यान कहाँ है? मिस्टर FT मीन्स मेहुल, नॉट मेहुल सुधार। ओके, सो अब क्या होगा, अब हम ये इंडक्टर पोलैरिटी चेंज करेगा। इंडक्टर पोलैरिटी चेंज करेगा यानी कि ये प्लस था और ये माइनस था, तो पोलैरिटी चेंज करेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो आपका करंट कहाँ से फ्लो होगा? तो आपका करंट देखो यहाँ से आएगा EDC से आपका D4 ऑपरेट होगा, D4 से लोड, लोड से D1 और D1 से वापस EDC, तो यानी आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया वो प्लस मिलेगा और ये माइनस। क्यों ऐसा मिलेगा? क्योंकि इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन ऐसी है देखो, वो नेगेटिव है, तो आउटपुट करंट जो है वो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन पोलैरिटी जो वोल्टेज की वो प्लस ही मिलेगी, इसलिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन T2 एंड T3 बोथ आर बिकम ऑफ, मेड ऑफ और बिकम ऑफ, आपके लोड में जो भी एनर्जी है वो डिसिपेट होती है यानी कि डिस्चार्ज होती है, तो आपका करंट D1 से EDC माइनस D4, ये जब आपका आपका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन स्टिल योर करंट विल बी नेगेटिव, सो इट इज़ ऑपरेट इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये चार स्टेप आपको लिखने हैं। टू ब्रिज सर्किट आर फॉर्मेड इन दिस टाइप ऑफ चॉपर, वन इज फॉरवर्ड ब्रिज और अदर इज रिवर्स ब्रिज। जो फॉरवर्ड ब्रिज है इट इज़ मेड बाई चॉपर T1, T2, T3 एंड T4, और जो रिवर्स ब्रिज है वो इट इज़ मेड बाई D1, D2, D3 एंड D4। इतना लिखना है आपको। जिसको ये पूरी थियरी पता चल गई वो ऐसा लिख के कमेंट कर सकते हैं, ऐसा T उसके बाद थम और उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर लिख के बोल सकते हैं, पूरी थियरी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यहाँ पे पूरी थियरी ख़त्म हो चुकी है अपने। जिसको भी पता चल गया वो टी के बाद थम और एनरोलमेंट नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे टोटल चार स्टेप है। मुकेश आपको सेकंड स्टेप में कौन होगा ऑपरेट वो बताना है। देखो यहाँ पे टोटल चार स्टेप है। स्टेप वन है S1, S2, S3 और S4, राइट। तो अभी मुकेश की बारी है। मुकेश आप सेकंड स्टेप में कौन ऑपरेट होगा वो आपको बताना है, और वोल्टेज, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, ये चारों गैप आपको फिलअप करनी है। आप उसके बाद पार्क झाला मकवाना कुणाल, आपको स्टेप वन में कौन ऑपरेट होगा यहाँ पे लिखना है, और उसका वोल्टेज और करंट क्या है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ऐसे लिखना है। ये चार स्टेप आपको लिखना है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, S1 में T1 और T4 ऑपरेट हो जाए तो आपको लिखना है T1 T4, कमेंट में ऐसा लिखना है, प्लस और प्लस, ये दोनों प्लस प्लस लिख के कमेंट करना है, यानी T1 T4 प्लस प्लस। ऐसे ही मुकेश आपको T2 का S2 का कमेंट करना है। योगी जितनी भी गर्ल्स कनेक्ट हुई है उसको स्टेप नंबर 3 कमेंट करना है, और रविंद्र रनमल
आशुतोष युवराज आपको स्टेप नंबर फोर, फोर मिक्स हो गए हैं। कैसे मिक्स हो जाएंगे रणमल? आप सोचो तभी तो उस निकलेंगे बाहर, वरना मिक्स ही रहेंगे पूरी लाइफ। बाकी के जो स्टूडेंट हैं बॉयज़ गर्ल्स को S3 कमेंट करना है, मुकेश संदीप पुष्पराज को S2 कमेंट करना है, FT है मिहिर है उन लोगों को S1 कमेंट करना है। ये रविंद्र है, रणमल, आशुतोष, युवराज, ये सबको S4 कमेंट करना है। चलो कमेंट करो तो पता चलेगा, कुछ मिक्स नहीं होगा। कुछ मिक्स नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन ऑपरेट हो रहा, तभी आपको देखो। अपने यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं तो टेबल में पता चल जाएगा कौन कब ऑपरेट होता है। मिक्स कुछ नहीं होगा, अगर प्रॉपरली करोगे तो कुछ मिक्स नहीं होगा। देखो यहाँ पे स्टेप नंबर वन है तो मैंने यहाँ पे S1 लिखा, S1 S2 S3 और यहाँ पे S4, ये हो गया। अभी S1 में कौन ऑपरेट हो, यहाँ पे आपको लिखना है V यानी करंट, जो आउटपुट करंट है वो, और यहाँ पे आपको लिखना है I। कब पॉजिटिव नेगेटिव है वो देखना है। चलो अभी S1 ऑपरेट हो रहा है तो कौन नहीं हो रहा है, तो S1 का मुझे पता है कि वहाँ पे आपका T1 ऑपरेट होता है, T1। यहाँ पे कौन ऑपरेट होता है, T2। आउटपुट वोल्टेज कैसे होते हैं, प्लस, ये भी क्या होता है, प्लस। ये हो गया मेरा टोटल, देख सकते हैं यहाँ पे कितना इजी है, याद रखने में एकदम इजी है। मेहुल सुधा T1 T4 E0 प्लस I0 प्लस, कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वेरी गुड। T1 T4 आएगा, देखो यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया है। अभी आपका जो स्टेप नंबर 2 है तो स्टेप नंबर 2 में आप फिगर में यहाँ पे जाके देखो कि जब भी आपका T1 T2 ऑपरेट होगा तब आपका कौन सा, ये देखो ये T1 और ये T2 ऑपरेट होगा, T1 और T4 ऑपरेट होगा, तब आपका डायोड कौन सा ऑपरेट होगा, तो D2 और D3, तो सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, D2, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, D4, राइट। आपका जो वोल्टेज है वो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन आपका जो करंट है वो पॉजिटिव मिलेगा, हो गया। अब आपका करंट दोनों में नेगेटिव होने वाला है, तो आपको यहाँ आपको पता ही होना चाहिए, अगर नहीं याद रहता तो प्लस यानी 0 और माइनस यानी 1 ऐसे याद रखो, 1010 ऐसे याद रखो, 0101। फिर यहाँ पे कौन ऑपरेट होगा, T3 ऑपरेट होगा, यहाँ पे आपका ऑपरेट होगा T4 ऑपरेट होगा, तब आपका करंट और वोल्टेज दोनों के से माइनस है, तो ये मैं लिख दिया माइनस। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 दे तो आप यहाँ पे 4th कर दो, यहाँ पे आप सेकंड कर दो। देखो आपको याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ पे आप कौन ऑपरेट होता है, तो अभी कौन सा बचा, ये D2 और ये D3 हो गया। देखो पहले ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, अब फिर ये इंडक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया तो ऐसे करंट फ्लो हुआ, अभी कौन हो रहा है, D1 और D4, तो लास्ट में कौन ऑपरेट होगा, D1 D4। आपका जो करंट है वोल्टेज है वो माइनस रहेगा और करंट है वो प्लस,
सॉरी वोल्टेज है वो प्लस रहेगा और करंट है वो माइनस हो जाएगा। डन, अभी बोलो। नाउ गेटिंग दिस मेथड, अभी किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बोलो, कंफ्यूजन है तो बोलो। देखो ये वन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड यानी एस थ्री यानी थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकंड यानी सेकंड क्वाड्रेंट। देखो पहले में हमने क्या किया था, ये करंट यहाँ से यहाँ हुआ था, फिर ये पोलैरिटी चेंज हो गया यानी कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये करंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा यानी डी टू और डी थ्री। देखो हो गया डी टू और यहाँ पे आएगा डी थ्री, सॉरी यहाँ पे डी थ्री आ जाएगा, डी टू और डी थ्री। अब उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपका करंट यहाँ से आता है, यहाँ से टी थ्री और यहाँ पे जाता है टी टू, तो थ्री और टू। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्री और यहाँ पे मैंने लिख दिया टू। फिर क्या हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस, पोलैरिटी चेंज हो गई, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो यहाँ से करंट आ जाएगा डी फोर और डी वन। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, पहले डी फोर लिख दूँ, डी वन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख दूँ डी वन। डन, प्लस और माइनस। अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जिसको ये टेबल लिखना है अपनी बुक में लिख लो, आप इजीली याद कर लोगे। बोलो, अभी आपको अगर ये टेबल में से मैं कुछ भी बोलता हूँ कि सपोज मेहुल सुथार आपको स्टेप नंबर थ्री करना है, तो आप क्या बोलोगे? एस थ्री मार्ट टी थ्री अने टी टू, एस थ्री मार्ट टी थ्री आ बटा ये टी थ्री अने टी टू है, जो टी थ्री अने टी टू, जो वन फोर एट फोर, अँ अगर वन फोर यहाँ पे थ्री टू, अँ टू थ्री यहाँ पे वन फोर, वन फोर उल्टा भी लिखोगे चलेगा। एस थ्री मार्ट थी टी थ्री अने टी टू आ बराबर है भाई, यू आर राइट, मैंने वही लिखा है, वो गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक थी शायद। देखो यहाँ से आएगा टी थ्री में जाएगा, टी टू में जाएगा और डी सी फोर, तो थ्री और टू। अभी जिसको भी पता चल गया थियरी वो टी करके कमेंट कर सकते हैं। जिसको पता चल गया वो टी, उसके बाद आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है थम, और उसके बाद एनरोलमेंट नंबर लिख के कमेंट करना है। एस थ्री में टी टू और टी थ्री बराबर, टू थ्री लिखो या थ्री टू लिखो कोई बात नहीं है, आपको याद रखना है, लेकिन करंट तो थ्री में से ही टू की ओर जाएगा, टू में से थ्री की ओर नहीं जाएगा। क्लास ई चॉपर डन, वेरी गुड मेहुल सुधर। और किसी को दिक्कत है तो बताइए, सबसे इजी थियरी है ये टेबल, आप अपने बुक में लिख लो तो पता चल जाएगा। देखो अगर याद रखने की और ट्रिक चाहिए तो देखो वन टू थ्री फोर, यहाँ से फिर उल्टा जाना है आपको, वन टू थ्री और फोर। देखो हो गया, वन लिखो तो टी, फिर डी टी डी, यहाँ पे भी ऐसे टी डी टी डी, प्लस माइनस माइनस, प्लस डबल प्लस डबल माइनस। जिसको भी हाँ वेरी गुड मेहुल सुधार, टी टू टी थ्री, वेरी गुड। जिसको भी पता चल गया हो एक बार कमेंट कर दीजिए, जिससे हम ये चैप्टर की लास्ट थियरी जो है फ्रीक्वेंसी वाली वो करके लेक्चर को एंड करेंगे। उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर रहेगा 10 मार्क का। क्लास ई थियरी ख़त्म, उसके बाद अपने जो था जॉन चॉपर ख़त्म, मॉर्गन चॉपर ख़त्म हो गया। जिसको भी अभी भी जॉन और मॉर्गन में दिक्कत है वो एक बार अपना वीडियो एक बार फिर से देख लें, थोड़े दिन बाद सब वीडियो निकल जाने वाले हैं, सब वीडियो यूट्यूब में से चले जाएंगे। सो आपको जितने भी देखने हैं अभी देख लें।
फिगर में क्या एक्सप्लेन करना है मिस्टर मीर? फिगर में क्या एक्सप्लेन करना है? ये टेबल में कंप्लीट तो हमने कर दिया है। कौन सी फिगर फिर से एक्सप्लेन करनी है मिस्टर दीप पटेल? फिर से एक बार कमेंट करके बताओ कौन सी फिगर एक्सप्लेन करनी है भाई। बाकी सबका क्या है भाई? क्लास ई चॉपर ड्रॉ करवामां कोई इजी मेथड नहीं, तमे ट्राई करजो आई आई जशे। चार चॉपर ड्रॉ करवाना छे, चार डायोड, चार चॉपर नी एक डायरेक्शन छे, चार डायोड नी विरुद्ध डायरेक्शन छे, बन्ने वच्चे लोड जॉइन करवानो छे। ओके सो नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ चॉपर, कंट्रोल ऑफ चॉपर देर आर टू मेथड ऑफ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कंट्रोल ऑफ चॉपर। तो कंट्रोल ऑफ चॉपर में क्या होता है कि आपके पास टाइम रेशियो कंट्रोल है यानी कि TRC, और लास्ट वाला है करंट लिमिट कंट्रोल। जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं एक बार अपना एनरोलमेंट नंबर कमेंट कर दीजिए। ओके और लास्ट टॉपिक ये ख़त्म करते हैं अपना ये चैप्टर फिनिश, और फिर एप्लीकेशन देखना है। 3.17 नहीं करेंगे चलेगा। टाइम रेशियो कंट्रोल TRC मेथड एंड करंट लिमिट कंट्रोल। अभी TRC मेथड क्या है? तो टाइम रेशियो कंट्रोल मेथड है TRC। तो TRC कैसे चेंज होता है? तो हमने चॉपर के जो ड्यूटी साइकिल था उसमें K = T on/T जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, यानी कि आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल, यानी आउटपुट वोल्टेज E0 है K d/dc। तो आउटपुट वोल्टेज हम कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर हम टी ऑन टाइम ज़्यादा रखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमें कैसे मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। अगर टी ऑन टाइम कम रखेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? कम मिलेगा। यानी कि टाइम की जो है मेथड वो टाइम बढ़ाने से या कम करने से, टाइम को ज़्यादा करने से या फिर कम करने से हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर टाइम को चेंज करना है तो T इज़ इक्वल टू क्या है? 1/f टाइम पीरियड, T इज़ इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो T चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक मेथड है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और दूसरी मेथड है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। देखो TRC मेथड में दो है, TRC वो है टाइम रेशियो कंट्रोल, टाइम रेशियो कंट्रोल। ये देखो टाइम का रेशियो है T on/T, ये टाइम रेशियो है। अगर हम T on/T को चेंज करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेंज होगा जिससे हमारा आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा और कम होगा। तो उसके बेस पे हमें दो मेथड है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या होता है कि जो आपका जो वेवफॉर्म है, यहाँ पे देखो ये वेवफॉर्म है मेरे पास है कि ये वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म में मैंने यहाँ पे टी ऑन टाइम कम कर दिया और टी ऑफ टाइम ज़्यादा कर दिया, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की यानी कि T इज़ इक्वल टू 1/f। अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम रखता हूँ तो ये टाइम भी सेम ही रहेगा, यानी कि ऑपरेशन ऑफ टाइम सेम ही रहेगा। तो क्या होगा कि आपका वेवफॉर्म कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैसे दिखते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है कि F इज़ इक्वल टू 1/T इज़ कैप्ट कांस्टेंट, यानी कि आप टाइम भी चेंज नहीं करते हो और फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं करते हो।
तो ये आपका जो चॉपिंग टाइम है यानी कि ये टी टाइम, ये आपको कांस्टेंट रखना है, उसमें आपको कुछ भी बढ़ा नहीं है। तो आप यहाँ पे दो चेंजेस कर सकते हो, एक है टी ऑन टाइम कम कर सकते हो और एक है टी ऑफ टाइम कम कर सकते हो। यानी कि जो फर्स्ट मेथड है ना, इसमें मैंने टी ऑन टाइम कम कर दिया और सेकंड मेथड में मैंने टी ऑन टाइम ज़्यादा कर दिया। अगर मैं टी ऑन टाइम कम कर देता हूँ तो आउटपुट वोल्टेज मुझे एवरेज आउटपुट वोल्टेज कम मिलेंगे। देखो ये डॉटेड लाइन है ना, वो एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं टी ऑन टाइम ज़्यादा कर देता हूँ तो मुझे एवरेज आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि आपको ये पूरे पैराग्राफ में क्या लिखना है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी मेथड में हमें टाइम पीरियड सेम रखना है और वो टाइम पीरियड में हमें ऑन टाइम और ऑफ टाइम वो दोनों को वेरी करना है, लेकिन जो ऑपरेशन ऑफ टाइम टी है वो कांस्टेंट रखना है। लेकिन उसमें ऑन टाइम और ऑफ टाइम चेंज करना है। अभी ऑन टाइम अगर हम कम रखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज कम मिलेंगे, अगर ऑन टाइम हम ज़्यादा रखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे। ये लिखना है आपको ये पूरी मेथड में। और दिस मेथड इज कॉल्ड द पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM, इसको हम क्या बोलेंगे PWM। देखो यहाँ पे लिखा है इन फिगर ए द टी ऑन पीरियड इज स्मॉल व्हाइल द फिगर बी इज टी एम पीरियड इज मोर, सो मोर आउटपुट वोल्टेज इज अवेलेबल इन फिगर बी, राइट। ये मेथड वन है, जिसको मेथड वन पता चल गई हो, जिसको मेथड वन पता चल गया M1, वो M1 थंब और अपना एनरोलमेंट नंबर लिख के कमेंट कर दिए। M1 थंब और अपना एनरोलमेंट नंबर लिख के कमेंट कीजिए। अगर टी ऑन टाइम कम है तो आपका आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा, अगर टी ऑन टाइम ज़्यादा है तो आपका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपका जो टी है मेथड वो आपको कांस्टेंट रखनी है। डन। अभी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो एक बार ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूरा वीडियो फिर से देख ले, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या करना है, T इज इक्वल टू वन बाय एफ। अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते तो टी जो टाइमिंग है ना वो कम होगा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो टी टाइमिंग ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या है, इन दिस मेथड द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज चेंज, कौन सी फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज चेंज, टी इज चेंज, इट्स आइदर ऑन टाइम और ऑफ टाइम इज केप्ट कॉन्स्टेंट। हमें यहाँ पे ऑन टाइम और ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट रखना है, लेकिन हमें चेंज क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, और फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो टी टाइम चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे ऑन टाइम और ऑफ टाइम कांस्टेंट रखना है। हम फिगर में देखेंगे, देखो हमारे पास ये दो फिगर हैं, ये दोनों फिगर में देखो, ये फिगर में हमने क्या किया है, ये टी ज़्यादा रखा है यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने कम रखी है तो टी ज़्यादा, लेकिन ऑन टाइम है, ये देखो ये ऑन टाइम और ये ऑन टाइम दोनों क्या रखा है मैंने, सेम रखा है, लेकिन ऑफ टाइम यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। देखो क्योंकि यहाँ पे टी जो था ना वो कम है यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इन फिगर ए फ्रीक्वेंसी इज लो और फ्रीक्वेंसी इज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, सो द वैल्यू ऑफ टी इज मोर। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है तो टी की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसमें फिगर ए और बी दोनों में टी ऑन टाइम हम सेम रखेंगे, फिगर ए और बी दोनों में हम फिगर टी ऑन टाइम सेम रखेंगे, तो आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे ऑफ टाइम बढ़ जाता है यानी आउटपुट वोल्टेज आपको कम मिलेगा, और यहाँ पे ऑफ टाइम कम हो जाएगा यानी आउटपुट वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा।
इसमें क्या करना है, टी ऑन टाइम को हमें कांस्टेंट रखना है। फिगर ए और बी में देख सकते हो कि बी हमने टी ऑन टाइम को कांस्टेंट रखा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं तो फिगर ए और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हैं तो फिगर बी, दोनों में ऑफ टाइम चेंज होगा। अब ये डिसएडवांटेजेस क्या है ये मेथड का, कि आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंट्रोल चाहिए आपको, कि जो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए और ज़्यादाए, और वो आपको कंपलसरी कनेक्ट करना पड़ेगा। सो कंपैरिजन ऑफ पीडब्ल्यूएम मेथड, इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि लार्ज ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इन दिस मेथड लार्ज चेंज हैज़ टू बी मेड इन द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, सो द फिल्टर डिज़ाइन इज डिफ़िकल्ट, राइट। फर्स्ट टॉपिक बोल रहे हैं कि अगर हम इसको पीडब्ल्यूएम मेथड से कंपेयर करते हैं तो इसमें ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, और ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी तो जो फिल्टर की डिज़ाइन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सेकंड वन है डिस्टर्बेंस, जो है वो डिस्टर्बेंस नियर टेलीफोनिक लाइन है या फिर आपके पास लाइन चार्ज फ्रीक्वेंसी है उसमें ज़्यादा होगा, और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने की वजह से आप जो कॉल पर बात करते हो तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होने की वजह से डिस्टर्बेंस आता है। थर्ड वन है द लोड करंट कैन बिकम डिसकंटिन्यूज व्हेन द ऑफ टाइम इज इंक्रीज मच एंड दिस इज नॉट अ डिस्क्राइब, यानी कि क्या बोल रहे हैं, ये थर्ड टॉपिक ऐसा है कि आपका जो लोड करंट है ना वो डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, यानी कि ज़्यादा कम, क्योंकि आपका ऑफ टाइम बढ़ जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसा दिक्कत होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका करंट चेंजेस हो जाएगा, सो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये जो मेथड है ये पॉसिबल नहीं है टीआरसी मेथड में। इतना करना है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी आप लास्ट वाला पोर्शन नहीं करोगे तो चलेगा, इतना लेकिन आपको करना है। करंट लिमिटिंग नहीं करोगे चलेगा, आपको टीआरसी इतने तक करना है। टीआरसी में पहले में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी था, उसमें ऑन टाइम ज़्यादा तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा, ऑन टाइम कम तो आउटपुट वोल्टेज कम, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में क्या था, टी को कांस्टेंट रखना है, टी ऑन टाइम कांस्टेंट रखना है, जिससे ऑफ टाइम आपका चेंजेस होगा, और ऑफ टाइम चेंजेस होगा उसके बेस पे आपका आउटपुट भी चेंज होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ चॉपर। चॉपर कहाँ पे यूज़ होता है, चॉपर इज यूज़ इन जहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज वेरिएबल करने हैं, कि आप सबवे कार है या ट्रॉली बस है, फिर या बैटरी ऑपरेटर व्हीकल है जो आप यो बाइक चलाते हो, या फिर डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, बैटरी चार्जिंग करना है, ये सब जगह पे जहाँ पे आपको डीसी सप्लाई में चेंजेस करने हैं वो सब जगह पे चॉपर का यूज़ होता है, राइट। आज के लिए इतना ही रहेगा, जो भी लोग जुड़े हुए लोग एक बार एनरोलमेंट नंबर लिख के आपकी अटेंडेंस दे सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर लिख लो आप, और कोई दिक्कत हो ये थ्योरी में तो बता सकते हो। आपको यहाँ पे भी एग्ज़ाम में कंट्रोल फ्रीक्वेंसी मेथड ज़्यादा आती है, तो कंट्रोल फ्रीक्वेंसी में आपको एक ही बात लिखना है, अगर टी ऑन टाइम कम है तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा, टी ऑन टाइम ज़्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा। और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में लिखनी है कि आपका जो टी है वही चेंज हो जाता है, यानी कि आपको ऑन या ऑफ दोनों में से एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। देखो ये दूसरी जो फिगर है ना, यहाँ पे ऑफ टाइम को कांस्टेंट रखा है, देखो तो यहाँ पे ऑन टाइम, यहाँ पे जो ऑन टाइम है वो कम मिल रहा है और यहाँ पे ऑन टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा और इसका आउटपुट वोल्टेज कम होगा। टी ऑन टाइम ज़्यादा तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा, टी ऑन टाइम कम तो आउटपुट वोल्टेज कम। चैप्टर नंबर 3 फिनिश, कल से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, और फिर भी नहीं पता चल रहा है तो मुझे कांटेक्ट करना। अटेंडेंस बाकी है जो 5 छोकरा होनी भाई, फटाफट अटेंडेंस आप दो।
जेनी अटेंडेंस बाकी हो आप दो एक मिनिट लास्ट। लास्ट वन मिनिट फॉर योर अटेंडेंस।